आज की युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित देश की यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विभाग के मंत्री मेरे मित्र आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर तथा होम मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री मित्र निशित परमाणिक जी, यूथ अफेयर्स विभाग के सचिव आदरणीय संजय जी, स्पोर्ट्स के सचिव आदरणीय सुजाता जी, मंच पे उपस्थित भारत की गौरव बढ़ाने वाले दो बहनें निकिता जरीन जी, प्रियंका जी तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली की इस युवा संवाद में जुड़े तथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की विभिन्न इलाका में जुड़े हुए सभी साथीगण, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले अनुराग जी का आभार प्रकट करता हूँ, यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमें इस प्रकार के एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हम लोग एक महत्वपूर्ण घड़ी में एकत्रित हो रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने तिरंगा को सम्मान किया, हम सभी लोग अमृत महोत्सव की उत्सव मना रहे हैं और आने वाले 25 साल की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी समय में युवा व्यापार विभाग इस संवाद को देशव्यापी आयोजन करने का जो मुहिम छेड़ा है, जो दायित्व तो लिया है, ये एक सराहनीय कार्यक्रम है। मैं विभाग को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आपका ये प्रयास निश्चित रूप में देश में एक पॉजिटिव वाइब खड़ा करेगा, एक सकारात्मक मानसिकता खड़ा करेगी। मित्रों, इस विषय में कोई भी इस सभागार में द्विमत नहीं है। किसी भी मनुष्य समय में इस सभ्यता, मानव की सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। इस देश का भी वैज्ञानिक प्रमाण वेद उपनिषद काल से अगर मैं आकलन करूं तो सर्व विद्या की मूल आधार वेद है। इसकी भी आयु 6-7 हजार साल इसे माना जाता है। देश के इतिहास, देश की विज्ञान, देश की साहित्य, ये सब प्रमाणित करता है भारत एक पुराना सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। और उस सभ्यता को आगे बढ़ाने की सबसे ज्यादा जिम्मेवार वर्ग युवा ही होता है। हमारे देश में भी युवा सब समय में आगे रहा है। मैं अगर पौराणिक काल को भी ना जाऊं, निकट अतीत में जिस आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस आजादी की अगर कुछ युवाओं के नाम में उल्लेख करूं, नाम और उसकी उम्र में उल्लेख करूं, अपने आप में भी ये महत्व दर्शाती है कि युवा की महत्व क्या है। शहीद भगत सिंह के बारे में हम सभी लोग आदर के साथ नाम लेते हैं। उनकी आयु 23 साल था लड़ते हुए। राजगुरु जी की आयु 22 साल था, तब उस आयु में वो क्रांतिकारी बने। अशफाकउल्लाह खान साहब की आयु 27 साल था। खुदीराम बोस जी की आयु 18 साल था। बाजी राउत जी की आयु, जो सबसे युवा क्रांतिकारी रहे, उनकी आयु 12 साल रहा। मित्रों, कभी आज के समय में कल्पना करो, 12, 16, 18, 27, ये तो बाल काल की आयु होती है। रानी गाईदुल्लू की आयु, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने महिलाओं के अंदर, जनजाति महिलाओं के अंदर पराधीनता के खिलाफ क्रांति लाई, उन महिला की आयु, उस वीरांगना की आयु 16 साल थी। रानी झांसी बाई युवावस्था में लड़ाई की थी। शिवाजी के मन में क्रांति समर्थ रामदास ने युवावस्था में ही भरा। जिस महापुरुष का नाम अभी मेरे मित्र निशित परमाणिक लिए, स्वामी विवेकानंद, लंबे आयु तक नहीं रहे। ये सारा विषय मित्रों दर्शाती है कि युवा अवस्था में ही नया बीज निर्मित होती है, नया विचार निर्मित होती है। ये केवल क्रांति की विषय नहीं है। मैं अगर आपको एक संस्था के बारे में आपके सामने उल्लेख करूं, भारत में लगभग 100 सालों तक, आज 2022 में है,
चंद दिनों में उस संस्था को 100 साल पूरा होगा। 1935 जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी उस समय में अंग्रेजों ने भारत की नागरिकों को चिकित्सा सेवा में उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। उस समय के एक युवा जिनका नाम डॉक्टर जेसी राय, जेसी राय एक वैज्ञानिक थे, पराधीन भारत के वैज्ञानिक थे, उनकी मन में आया हम क्यों ना एक संगठन खड़ा करें, एक शोध संस्थान खड़ा करें, रिसर्च लैबोरेटरी खड़ा करें जिसके नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। क्रोनिक डिजीज के बारे में, ये जो कॉन्टाजिनियस डिजीज, मलेरिया हो, डायरिया हो, इस प्रकार की व्याधि के बारे में अनुसंधान करने की दुस्साहस अंग्रेज समय में भी आजादी की तमन्ना में वैज्ञानिकों ने भी काम किया, उनकी आयु भी कम था। मित्रों, ये सारे प्रमाणित करता है आपके कंधे पे कितना जिम्मेवारी पड़ा है। और देश में आपकी संख्या कितनी है, अभी युवा विभाग सचिव आपके बारे में विश्व की एवरेज यूथ की आयु आपके सामने रख रहे थे, आज ये भी प्रमाणित करता है आपके सामने चुनौती क्या है। मित्रों, कोई भी देश में हम ये सिर्फ प्रेरित नहीं कर सकते हैं कि आप देश के लिए मर मिट जाओ। 21वीं सदी में जब हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम जीने के लिए बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं जीने के लिए। आज लड़ाई हो रहा है सम्मानजनक जिंदगी के लिए। कोरोना को हम सभी ने मिलकर, अगर देश की युवा शक्ति तय ना करता, 200 करोड़ की डोजेस भारत में इतने कम समय में नहीं लगते। 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 साल के अंदर आप कल्पना करिए, पिछले दिनों में ये जो टीबी के बारे में, पोलियो के बारे में टीकाकरण हमारे देश में हुई, 2-2 दशक लगे, 3-3 दशक लगे उसके बाद संपूर्ण टीकाकरण हुआ। लेकिन आज देश की युवा शक्ति ठान ली, 1.5 साल के अंदर 200 करोड़ लोगों की टीकाकरण हुआ, यही प्रमाणित करती है देश में युवाओं की ताकत क्या है। मित्रों, मैं इस विषय को फिर उल्लेख करना चाहूंगा, आज मंच युवाओं की है, मंच खिलाड़ियों का है। आज देखो हमारी दो सामान्य बहनें, सामान्य घर की बहनें, ये कोई बड़े बड़े संपन्न घर की बच्चियां नहीं है। मेधा और प्रतिभा सभी के अंदर है, इसके प्रमाण इस बार की ओलंपिक और इस बार की कॉमनवेल्थ की अभी अभी चल समाप्त हुआ हो रहा होगा ये जो खेल है। जब भी भारत की नौजवानों को किसी भी क्षेत्र में मौका मिलता है तो अपना चरम निदर्शित करते हैं। मित्रों, आज दुनिया की अपेक्षा भारत से ज्यादा बढ़ी है। अब कल्पना करिए, 2020 में जब कोरोना की महामारी तांडव किया तब इस देश में एक भी पेयर पीपी किट नहीं बनती थी, भारत ने पीपी किट बनाया, खुद के लिए बनाया, आज दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट कर रही है, ये भारत की ताकत है।